हेलो गाइस, स्वागत है अपने चैनल में जिसका नाम है बीस पोस्ट है। आपको मिलता है फुटबॉल से रिलेटेड ट्रांसफर न्यूज़ और ट्रांसफर रूमर्स। तो सुकच कर दियो बिना किसी देरी के, और फाइनली 100 एपिसोड ऑफ ट्रांसफर टॉक हिंदी। एंड मतलब एपिसोड 1 कभी सोचा नहीं था कि 100 तक कभी जाऊंगा, बट हाँ फाइनली चला गया 100 एपिसोड ऑफ ट्रांसफर टॉक हिंदी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट जो आप लोगों ने दिखाया इतना इस चैनल को। एंड ऐसे मैं वीडियो कंटिन्यू करूंगा अपलोड करना, एंड हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपलोड करना। सो अगर आप लोग चाहते कि मैं कोई क्यों ना करूं, तो जरूर कमेंट करके बताएं कि क्यों ना करना चाहिए या नहीं। सो सुकच को वीडियो बिना किसी तरीके। तो सबसे पहला जो न्यूज आ रहा है वो है आईएसएल को लेके। सो आईएसएल का टाइमलाइन निकल के आया है। सो आईएसएल फाइनलाइज करेगा वेन्यू अगस्त 7 को। किट कलर्स ऑफिशियली अनाउंस होंगे अगस्त 10 को। मेडिकल गाइडलाइन अगस्त 14 को। सैंपल किट अगस्त 24 को। शेड्यूल रिलीज किया जाएगा अगस्त 31 को, जो कि थोड़ा सा आगे मैं बोलूंगा। लास्ट सीजन सितंबर में हुआ था। एंड ऑपरेशनल गाइडलाइन सितंबर 15 को। प्री सीजन स्टार्ट होगा अक्टूबर 1 से अक्टूबर 10 के बीच में, मतलब अक्टूबर में शुरू हो जाएगा प्री सीजन। सो हम लोग को उससे पहले फाइनल टीम देखने को मिल जाएगा कि कौन से टीम में कौन सा प्लेयर है। सो कोचेस फोरम होगा नवंबर 2 को। क्लब्स वर्कशॉप होगा नवंबर 5 से 15 के बीच में। एंड आईएसएल शुरू होगा नवंबर 20 या 23 के बीच में। सो मैंने बोला था नवंबर 22 को आईएसएल शुरू होगा, क्योंकि मेरे पास वैसे ही कुछ सोर्सेस थे, बट हाँ उसी के बीच में 20 से 23। सो 22 में भी हो सकता है। सो देखते हैं क्या होता है। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो है सर्जियो सिडोंचा को लेकर। तो सिडोंचा ने अपना कॉन्ट्रैक्ट एक साल और एक्सटेंड करवा लिया है कैनेडा ब्लास्टर्स एफसी के साथ। सिडोंचा जो कि काफी बढ़िया प्लेयर है, बट लास्ट सीजन उनका परफॉर्मेंस मैं बोलूंगा एवरेज था, बहुत अच्छा नहीं था, एवरेज परफॉर्मेंस था। एंड एज है 29, सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर है, काफी बढ़िया प्लेयर है, काफी ज्यादा पोटेंशियल है, बट कभी कभी एक प्लेयर का सीजन खराब जाता है। मैं नहीं बोल रहा कि बहुत बुरा परफॉर्मेंस था, काफी अच्छा ही परफॉर्मेंस था, बट सिडोंचा से थोड़ा सा और बढ़िया परफॉर्मेंस के हम लोग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, क्योंकि वो जो इस लेवल के प्लेयर है वहाँ पे हम लोग मतलब एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है एज अ फॉरेन प्लेयर, और उन्होंने जैसा परफॉर्मेंस दिया है जमशेदपुर एफसी में तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस काफी हाई थे सर्जियो सिडोंचा को लेके। बट ओके, मतलब परफॉर्मेंस फिर भी अच्छा ही था, बट इस साल हम लोग एक्सपेक्ट करें कि सिडोंचा से हम लोग और भी अच्छा परफॉर्मेंस देख सके। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो केरला बशासी के ही तरफ से। केरला बशासी ने एक प्लेयर को साइनिंग करवा लिया जिसका नाम है लालथाथांगा पुईता। मुझे पता है मैं सही नाम नहीं बोल पाता हूँ, बट समझ जाओ लाल पुएता ही समझ जाओ, लालथाथांगा पुएता। तो जो कि एक सेंट्रल मिडफील्डर है 22 इयर्स ऑफ एज, काफी बढ़िया प्लेयर है। उनको नॉर्थ ईस्ट में इससे पहले थे लालथाथांगा पुएता, उनको उतना मौका नहीं मिला था नॉर्थ ईस्ट में, बट केरला बशासी में वो आए एंड मुझे लगता है केरला बशासी इनको मौका देंगे। नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने ज्यादा मैचेस मैं बोलूंगा मतलब खेला है, अच्छा खासा मैचेस ही खेला है, उतना भी कम मैचेस नहीं खेला है, परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, एवरेज परफॉर्मेंस है, सेंट्रल मिडफील्डर है और बेटर हो सकता है। एज है 22, बट हाँ काफी बढ़िया प्लेयर है, पोटेंशियल है, बट देखते हैं वो कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते केरला बशासी में। हम लोग को देखना पड़ेगा कि वो केरला बशासी में अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते या नहीं, या फिर उनको मौका मिलता है या नहीं, वो भी एक देखने वाला बात होता है, क्योंकि ज्यादातर टाइम पे ऐसे प्लेयर्स को ठीक से मौका मिलता नहीं है। एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने फिर भी मौका उनको दिया था, बट केरला बशासी देंगे या नहीं डिपेंड करता है, बट किबू विको ना यंग प्लेयर्स को चांस देना ज्यादा पसंद करते, तो आई थिंक एक मौका इनको जरूर मिलेगा। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो आ रहा है मार्कस नेईमार को लेकर। सो हाँ मुझे पता है थोड़ा सा मतलब नेईमार है, बट वो नेईमार नहीं है, मार्कस नेईमार है, वो एक्चुअली जर्मन प्लेयर है। एंड ये अभी जितना मतलब मैंने जितना पता लगाया है कि ये बहुत सारे क्लब्स के आईएसएल के साथ अभी इन्होंने ऑफर भेजा है, मतलब आईएसएल के क्लब्स ने इनको ऑफर भेजा है, बहुत सारे आईएसएल के क्लब्स ने। एंड जो दो नाम जो निकल के आए वो एफसी गोवा और मुंबई सिटी एफसी, ये दो क्लब्स के नाम निकल के आए थे। एंड मैंने कन्फर्म भी किया है कि हाँ ये दो क्लब्स ने ऑफर भेजा, और काफी सारे दूसरे आईएसएल के क्लब्स ने भी ऑफर भेजा है, बट नाम सामने निकल के नहीं आया। ये एक सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर है एंड एज है 34, एज थोड़ा सा ज्यादा है, बट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ये एक्चुअली स्विस चैलेंज लीग में खेलते हैं। स्विस चैलेंज लीग एक्चुअली स्विट्जरलैंड का सेकेंड डिवीजन है। सो स्विट्जरलैंड फुटबॉल का सेकंड डिवीजन जो है, स्विट्जरलैंड का जो लीग होता है उसका सेकंड डिवीजन है। सो हाँ स्विस फुटबॉल स्विस चैलेंज लीग में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस था मार्कस नेईमार का, एंड मुझे लगता है कि ये साइनिंग अगर होता है तो किसी भी टीम के लिए काफी बढ़िया साइनिंग होगा। एंड मुझे लगता है मार्कस नेईमार इंडिया में ही आएंगे फाइनली, आईएसएल के कोई ना कोई क्लब में वो जरूर आएंगे, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ, बट कौन से क्लब में आएंगे वो देखने वाला बात होगा, बट हाँ इतना मैं गारंटी जरूर दूंगा कि हाँ मार्कस नेईमार जरूर आईएसएल में आएंगे। तो देखते हैं, अब टाइम का बात है, वेट करना, और अगर इससे रिलेटेड मुझे कुछ दिनों के अंदर और अपडेट्स मिलेंगे तो जैसे ही अपडेट मिलेंगे आपको इस चैनल में मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा देना। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो इंटरनेशनल न्यूज। सो इंटरनेशनल में आज डिबाला, सो डिबाला अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवा
आने के बहुत क्लोज है जुवेंटस के साथ, बहुत ही ज्यादा क्लोज है जुवेंटस के साथ। एंड देखते कि जुवेंटस साथ ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन होता भी है तो डिबाला कौन से नए क्लॉजेज रखेंगे, क्योंकि डिबाला का लास्ट टाइम का जो क्लॉजेस था वो ज़्यादा कुछ टफ नहीं था। मुझे लगता है डिबाला को इस साल थोड़ा सा प्ले टाइम के लिए जाना चाहिए कि उनको इतना प्ले टाइम देना पड़ेगा, बट अभी देखते हैं। हाँ, डिबाला काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है, काफ़ी स्किलफुल प्लेयर है, बट वही उनको उतना मौका ही नहीं मिलता। मैंने कभी डिबाला को देखा ही नहीं एक प्रॉपर चांस मिलते हुए। सो हाँ, वो बेंच ही में बैठे रहते हैं। टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, मैं बोलूँगा डिबाला का पैर का जो स्किल है वो बहुत ही अच्छा है, बट वही मौका नहीं मिलता है एंड वही स्किल धीरे धीरे डिटोरिएट होता जाता है जब चांस नहीं मिलता है। सो हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के काफी क्लोज है। ऑलरेडी जुवेंटस के साथ 2022 तक का कॉन्ट्रैक्ट था, बट इससे भी ज्यादा एक्सटेंड करवाना चाहते हैं जुवेंटस, और एडवांस स्टॉक में बात जा चुका है जितना सोर्सेस से पता चला है। सो देखते हैं, मुझे लगता है ये हो ही जाएगा, डिबाला जुवेंटस के साथ ही रहेंगे अभी के लिए। सो जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो है उनाना को लेकर। उनाना जो कि अजाक्स के गोलकीपर है, काफी बढ़िया गोलकीपर है, काफी ज्यादा पोटेंशियली काफी टैलेंटेड गोलकीपर है उनाना। इनको दो क्लब से ऑफर मिला है, एक है चेल्सी और दूसरा है लेवरकुसन। सो लेवरकुसन ने ऑलरेडी एक ऑफर दे दिया है एंड चेल्सी अभी सोच रहा है कि ऑफर देंगे, क्योंकि चेल्सी तीन गोलकीपर के ऊपर अभी इंटरेस्टेड है, टर्स्टेंच, ऑब्लैक एंड ओनाना। सो देखते हैं वो किसको खरीदते हैं, क्योंकि चेल्सी का गोलकीपर का बहुत ज्यादा जरूरत है एंड मुझे लगता है इसी वजह से वो गोलकीपर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड है, बट मुझे लगता है एक डिफेंडर के ऊपर भी उनको फोकस रहना चाहिए। मैंने लास्ट डे कवर किया था कि वो एक्चुअली वो इंटरेस्टेड थे एटलेटिको मैड्रिड के एक डिफेंडर के ऊपर, जिनका नाम मुझे अभी याद ठीक से आ नहीं रहा है, बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये डील हो सकता है, चांसेस है कि चेल्सी ओनाना को खरीद सके, क्योंकि चेल्सी का जितना सोर्सेज से रिपोर्ट आई कि चेल्सी एक 30 मिलियन यूरो का एक ऑफर देगा, लेवरकुसन ने 20 मिलियन यूरो का एक ऑफर दिया है। सो देखते हैं कि ओनाना कौन से टीम में जाते हैं। एंड सो बस गाइस, आज के लिए इतना ही, ये था 100 एपिसोड। मुझे पता बहुत कुछ ज्यादा बड़ा न्यूज नहीं था, बट अभी मैं अपना भी थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ। मैं सोचा कि मैं थोड़ा सा ज्यादा सोर्सफुल जगह से अभी न्यूज लूंगा, क्योंकि बहुत ऐसे फेक न्यूज है। और हाँ, अभी जो टाइम उसमें बहुत सारा र्यूमर्स आएगा, क्योंकि टीम को अपना टीम बनाना पड़ेगा टीम्स को। सो बहुत सारे प्लेयर्स को ऑफर दिया जाएगा एंड उसी के वजह से बहुत सारे र्यूमर्स आएंगे। सो ऐसा नहीं कि कोई फेक र्यूमर होगा, शायद उन्होंने ऑफर भेजा है बट कंटिन्यू नहीं कर पाए डील के साथ। सो हाँ, र्यूमर्स अभी काफी सारे आएंगे, क्योंकि बहुत सारे टीम्स बहुत सारे प्लेयर्स को ऑफर देंगे, क्योंकि उनको भी टीम बनाना है एट द एंड। अक्टूबर से पहले तो उनको टीम बनाना ही पड़ेगा, सो इसी की वजह से 2 महीना बाकी है, और सो इस 2 महीने में पूरा टीम बनाना है बहुत सारे क्लब्स को, ज्यादातर क्लब्स को। तो इसी वजह से बहुत सारे प्लेयर्स को वो भी ऑफर भेजेंगे। सो ऐसा नहीं है कि कोई ऑफर नहीं भेज रहे कि फेक र्यूमर है, शायद सही में र्यूमर हो, बट ऑफिशियली कंफर्मेशन दी है, क्योंकि बहुत सारे प्लस कॉफर भेजेंगे। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और कमेंट करना मत भूलेगा। मैं मिलता हूं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।